आजादी यूं ही नहीं मिली, इसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। युवा पीढ़ी कुर्बानियों को भूलती जा रही है। देश के क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, ये देश को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। ये बात पूर्व सांसद शांता कुमार ने DRDS सभागार धर्मशाला में राज्य स्तरीय साहित्यकार यशपाल जयंती समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही। पूर्व सांसद शांता कुमार ने कहा कि इस बार यशपाल जयंती पर उनके पुत्र आनंद पाल की मौजूदगी से ये कार्यक्रम खास हो गया है। देश की आजादी के लिए बहुत से भारत माता के सपूतों ने कुर्बानियां दी हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ काम करने वाले यशपाल कांगड़ा से संबंध रखते थे। उन्होंने क्रांतिकारी इतिहास क्षेत्र में बहुत काम किया है, जिसने अंग्रेजों की सरकार को हिलाने में मुकाम कार्य किया। हमारे देश में ऐसी कोई बात ना हो जिससे हमारा सर नीचा हो जाए। क्रांतिकारी एवं साहित्यकार यशपाल के पुत्र आनंद पाल ने कहा कि यशपाल की कहानियों में हिमाचल के प्रति ललक रहती है। यहाँ एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, उसमें हिमाचल का कोई वर्णन नहीं था कि यशपाल का यहाँ से क्या संबंध रहा। हम एक डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, उसका आधा हिस्सा उनके हिमाचल से संबंध और उनके पूर्वज कहाँ से आए थे, कब और कहाँ रहे थे। यशपाल की कहानियों में हिमाचल की झलकियाँ और उनके रिश्तेदारों से वार्तालाप, ये सब दर्शाया जाएगा। हम हिमाचल के संबंध में ये जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जहाँ रहे हैं और वहाँ की मिट्टी हम साथ ले जा सके। हमारा जमीन को लेकर कोई दावा नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब तक हम डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो यशपाल के हिमाचल के संबंध को सही ढंग से दर्शा सके कि वाकई में वो यहाँ के रहने वाले थे। जिला मुख्यालय धर्मशाला के बाहर पिछले 4 दिन से आमरण अनशन पर बैठे विकलांग कल्याण संघ हिमाचल प्रदेश के पदाधिकारियों ने दो टूक चेताया है कि जब तक CM खुद आकर उनकी मांगे नहीं मानते, तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष तकदीर सिंह ने कहा कि 2 दशक से संघ अपनी मांगों को उठा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तकदीर सिंह ने कहा कि CM के पास बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन से मिलने का तो समय है, लेकिन आमरण अनशन पर बैठे विकलांग संघ के पदाधिकारियों के पास आने का समय नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार विकलांगों के प्रति कितनी संवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। तकदीर सिंह ने बताया कि संघ की 25 मांगे पहले ही CM को अवगत करवा दी है, इसके बावजूद मांगों को अनदेखा किया जा रहा है, जिसके विरोध में उन्हें आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। देश में लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में CPIM ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में मंडी में भी कम्युनिस्ट पार्टी ने प्याज की बड़ी कीमतों को लेकर शहर के सेरी मंच पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र व प्रदेश की सरकारों के विरोध में नारे लगाए। CPIM ने बढ़ती महंगाई के लिए सीधे तौर पर केंद्र व प्रदेश की सरकारों को जिम्मेदार ठहराया है। CPIM का आरोप है कि सरकार लोगों को सुविधाएं देने की बजाय आए दिन महंगाई के तले दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई को कम करने की मांग उठाई है। CPIM ने हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ घटी दुर्घटना को लेकर भी केंद्र सरकार को घेरा है। CPIM ने केंद्र सरकार से पूछा कि उन दावों का क्या हुआ जो केंद्र सरकार महिला सुरक्षा को लेकर करती आ रही है। इस दौरान CPIM के जिला सचिवालय सदस्य सुरेश सरवाल ने कहा कि प्रदेश की सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में असफल रही है, जिसके कारण आज प्रदेश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं और अन्य खाद्य वस्तुओं के दामों में भी वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में महिलाओं के साथ घट रही घटनाएं चिंताजनक हैं, वो सरकार को इसके खिलाफ कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।